नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू द ज्ञान इलेक्ट्रिकल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सएलपी केबल में सेमीकॉन के लेयर जो रहते हैं वो क्यों यूज़ एक्सएलपी केबल में होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो गाइस, यहाँ पे जैसे आप देख रहे हो कि ये जो पूरा है वो क्रॉस सेक्शन एरिया हो एक एक्सएलपी केबल का। तो गाइस, यहाँ पे दो लेयर रहते हैं, सेमीकॉन मटेरियल के दो लेयर रहते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो कि फर्स्ट जो एग्जैक्टली ऊपर है, ये जो कंडक्टर मटेरियल है उसके ऊपर एग्जैक्टली एक लेयर वाउंड किया है, ये जो मटेरियल है वो सेमीकॉन मटेरियल है। उसके बाद ये सेमीकॉन मटेरियल के ऊपर एक एक्सएलपी इंसुलेशन का लेयर आएगा और उसके एग्जैक्ट ऊपर एक और सेमीकॉन लेयर आएगा। तो गाइस, ये जो दो लेयर हुए वो सेमीकॉन लेयर है। तो सेमीकॉन लेयर गाइस कहाँ पे यूज़ होता है? एक तो एग्जैक्टली जो कंडक्टर के जो नेक्स्ट जो लेयर है, कंडक्टर के बाद का जो नेक्स्ट लेयर तुरंत जो आता है वहाँ पे एक सेमीकॉन लेयर रहता है। उसके बाद जो मेन इंसुलेशन आता है एक्सएलपी वो आता है और उसके एग्जैक्ट बाद दूसरा लेयर आता है, वो सेमीकॉन लेयर आता है। तो ये गाइस सेमीकॉन लेयर क्यों यूज़ करते हैं एक्सएलपी एमवी या तो फिर एचवी केबल में, उसके बारे में हम लोग आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलो देखते हैं। तो गाइस, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये पूरा क्रॉस सेक्शन व्यू दिखा है केबल का। तो यहाँ पे गाइस क्या है कि पूरा आपको बताया गया है कि ये जो फर्स्ट जो लेयर आता है ये कंडक्टर लेयर आता है, उसके बाद ये सेमीकॉन मटेरियल का जो लेयर आता है उसको स्ट्रैंड सील बोला जाता है। उसके बाद जो एक्सएलपी इंसुलेशन आता है उसको इंसुलेशन बोला जाता है, मतलब कि एक्सएलपी इंसुलेशन है तो उसको इंसुलेशन बोला जाता है। उसके एक्सेट बाद जो एक लेयर आएगा, ये वाला जो लेयर है उसको क्या कहते यहाँ पे बोला है, इंसुलेशन सील्ड, मतलब कि कंडक्टर के बाद जो आता है उसको स्ट्रैंड शील्ड और इंसुलेशन के बाद जो आता है उसको इंसुलेशन शील्ड, उसके बाद मेटालिक शील्ड और जो फाइनल आउटर पार्ट है पीवीसी केबल चाहिए। तो इस टाइप से पूरा केबल है, वो केबल के अलग अलग लेयर है उस हिसाब से वो वाउंड किया जाता है। तो दिस इज गाइस, ये जो है वो बेसिक आइडिया है कि किसे केबल है उसको उसका टोटल कितने टाइप का लेयर है वो यहाँ पे दिखाया गया है। बट हमको जो हमारा आज का टॉपिक है वो ये है कि इंसुलेशन शील्ड और स्ट्रैंड शील्ड हम क्यों यूज़ करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये जो कंडक्टर, पूरा जो कंडक्टर है वो छोटे छोटे स्ट्रैंड से बना रहता है, मतलब कि एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन डायमीटर वाले स्ट्रैंड रहते हैं और वो सारे स्ट्रैंड को कंबाइन करके एक प्रॉपर स्क्वायर एमएम का एक कंडक्टर बनता है। तो ये पूरा का पूरे को कंडक्टर बोलते हैं, बट वो जो बना रहते हैं वो छोटे छोटे से स्ट्रैंड को कंबाइन करके बना रहता है। अब गाइस क्या होगा कि ये जो स्ट्रैंड से बना है तो इन दोनों के बीच में कुछ खाली जगह पड़ेगी, मतलब कि यहाँ पे एक वॉइड क्रिएट होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ये वॉइड क्रिएट होता है अगर आप इंसुलेशन नहीं लगाते। ये जो इंसुलेशन मीन्स कि ये जो सेमीकंडक्टर शील्ड नहीं लगाते, सेमीकॉन नहीं लगाते, उससे पहले की बात कर रहा हूँ। तो गाइस क्या है कि यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, ऐसे वॉइड क्रिएट होगा ये सब जगह पे। अब गाइस ये वॉइड क्रिएट होगा तो उससे क्या होगा कि जब कंडक्टर को आप जब कंडक्टर को लाइव मतलब कि इलेक्ट्रिकल करंट या तो फिर वोल्टेज जो मिलेगा, मतलब जब फंक्शन में आएगा उस टाइम पे क्या होगा कि डायरेक्ट इंसुलेशन है और ये कंडक्टर है, तो इन दोनों के बीच में ये जो वॉइड क्रिएट हुआ या तो फिर एयर कैविटी क्रिएट हुई, उससे क्या होगा कि यहाँ पे होगा पार्शियल डिस्चार्ज। अब ये पार्शियल डिस्चार्ज की वजह से क्या होगा कि वो ये इंसुलेशन है उसको डैमेज करेगा, इंसुलेशन को डैमेज करेगा इन लॉन्ग सर्विस टाइम। उसकी वजह से गाइस क्या होगा कि स्लोली स्लोली ट्री है वो डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा। जो ट्री डेवलप होना स्टार्ट होगा उसकी वजह से गाइस क्या होगा कि आपका जो इंसुलेशन है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वीक हो जाएगा और केबल की लाइफ है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन ना आए उससे बचने के लिए क्या किया गाइस कि एक सेमीकॉन यानी कि सेमीकंडक्टर मटेरियल का लेयर है इसके ऊपर वाउंड किया गया। और ये जो मटेरियल है वो इतना बॉन्डेड रहता है कि वो डायरेक्टली चिपक जाता है हर एक जगह पे, मतलब कि हर एक जहाँ पे भी वॉइड क्रिएट हुआ है, हर एक जहाँ पे भी छोटी सी भी जगह है वहाँ पे वो कवर कर लेगा और पूरा मतलब बॉन्ड हो जाएगा, चिपक जाएगा। तो गाइस क्या है कि यहाँ पे जो एयर कैविटी है या तो फिर वॉइड है वो रहेगा नहीं, उसके बाद उसके तुरंत बाद ही इंसुलेशन आ जाएगा। तो गाइस क्या हुआ कि हमने यहाँ से एक जो ये प्रॉब्लम है वो हमको ने रिड्यूस कर दिया एयर कैविटी का या तो फिर वॉइड का। तो डायरेक्टली इसीलिए ये कंडक्टर के बाद एक सेमीकॉन लेयर लगाया जाता है और उसके बाद ही इंसुलेशन लगाया जाता है।
अब गाइस दूसरा जो इंसुलेशन है वो यहाँ पे लगाया जाता है, सॉरी दूसरा जो सेमीकॉन लेयर है वो यहाँ पे लगाया जाता है इंसुलेशन के अपर साइड पे, यानी कि इंसुलेशन और मेटालिक शील्ड के ऊपर। ये क्यों लगाया जाता है गाइस? इसका रीज़न ये है कि जो सेमी सेम वे ये जो पार्ट है ये मेटालिक शील्ड वाला पार्ट, वो भी गाइस कहीं पे अर्थ किया जाता है, और ये जो लेयर है वो इन दोनों के बीच में रखे XLPE और मेटालिक शील्ड में, शील्ड के बीच में ये जो लेयर है सेमीकंडक्टर का लेयर, वो इसलिए रखा जाता है क्योंकि जो सेमीकंडक्टर सॉरी जो इंसुलेशन है, ये जो इंसुलेशन है उसकी सरफेस है काफ़ी जगह पे क्लीन नहीं रहती। कभी कभार क्या होता है कि कहीं पे कुछ इम्प्योरिटी या तो फिर कोई स्क्रैच या कुछ है तो वहाँ पे भी वॉइड क्रिएट होगा, या तो फिर कुछ केविटी या कुछ प्रोड्यूस होगा, मतलब जो सेम वे पार्शल डिस्चार्ज प्रोड्यूस कर सकता है, तो वैसा प्रॉब्लम है उसको भी रिड्यूस करने के लिए इसके ऊपर भी एक सेमीकंडक्टर लेयर है वो बिछा दिया, सेमीकॉन लेयर है वो बिछा दिया। और वो भी क्या रहता है कि पूरा बॉन्डेड रहता है तो पूरा चिपक जाता है इंसुलेशन के साथ, तो वो क्या है कि इंटरनली जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कोई एयर का बबल्स या तो फिर कोई वॉइड नहीं रहने देगा और पार्शल डिस्चार्ज नहीं होगा। सो गाइज आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे कि क्यों हम सेमीकॉन लेयर इंसुलेशन के अंदर की साइड और बाहर की साइड रखते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैंने अभी हमने यहाँ पे हिंदी में आगे डिस्कस किया वही पॉइंट लिखा हुआ है थोड़ा टेक्निकली लैंग्वेज में, कि भाई जो इंसुलेशन है उसके इनसाइड और आउटर साइड क्यों हम ये दो लेयर लगाते हैं, क्योंकि टू प्रिवेंट एयर फील्ड केविटी बिटवीन मेटल कंडक्टर एंड डाइलेक्ट्रिकल इंसुलेशन। तो उससे क्या होगा गाइस कि इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज है वो नहीं होगा और इंसुलेशन मटेरियल है वो कुछ डेंजर में नहीं आएगा, बस वही दिखाया है जो हमने अभी अभी आगे डिस्कस किया। और एक क्या है गाइस कि दिस टू लेयर मतलब जो सेमीकॉन लेयर है सेमीकंडक्टर लेयर है वो मस्ट बी स्मूथ, मतलब वो एब्सोल्युटली स्मूथ होने चाहिए, जैसे वो स्मूथ ही होते हैं, बट यहाँ पे ये पॉइंट लिखा गया है। सो ये दूसरा भेजे और थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में कि सेमीकंडक्टर टेप है वो कंडक्टर के अराउंड रैप रहता है इन हाई वोल्टेज केबल टू रिमूव अ स्ट्रेस पॉइंट, जो हमने बताया कि स्ट्रेस पॉइंट उससे रिमूव हो जाएगा, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में अच्छी तरह से पॉइंट बना के लिखा हुआ है। द फील्ड इलेक्ट्रिकल लाइन एक्सिट और एंटर द कंडक्टर नॉर्मल टू द कंडक्टर सरफेस बिकॉज द कंडक्टर इज स्ट्रैंडेड एंड द फील्ड स्ट्रेंथ कैन बिकम अ वेरी कॉन्सनट्रेटेड एट अ सर्टेन पॉइंट एंड लीड टू द लोकल इलेक्ट्रिकल ब्रेकडाउन, जो सब हमने बात किया कि कोई पॉइंट है जो स्ट्रेंथ का जो पॉइंट है वहाँ पे ही ब्रेकडाउन हो सकता है, मतलब जो वॉइड क्रिएट हुआ है वहाँ से ब्रेकडाउन हो सकता है आगे इंसुलेशन को फेल करके। फिर द सेमीकंडक्टर मटेरियल सेमीकंडक्टर टेप हेल्प्स टू राउंड अप द कंडक्टर सो दैट रिजल्ट इन इलेक्ट्रिकल फील्ड इज मोर इवन विदाउट अ स्ट्रेस पॉइंट। सो गाइज आई होप कि आप समझ गए कि क्या लिखा हुआ है, और यही एक ये पॉइंट है कि जो हमने अभी आगे पिक्चर में देखा कि द सेमीकंडक्टर लेयर आर रिफर्ड एज अ स्ट्रेंड शील्ड एंड इंसुलेशन शील्ड रिस्पेक्टिवली, जो अभी आगे हमने क्रॉस सेक्शन व्यू में दिखा है। और एक बात ये है कि गाइस बी अवेयर, ये पॉइंट अच्छा है कि बी अवेयर दैट इट इज़ नॉट अ सेमीकंडक्टर, जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स में जो सेमीकंडक्टर आते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, उस तरह से वो सिलिकॉन नहीं रहता बट XLPE इंसुलेशन का टेप रहता है, बट उसमें क्या रहता है कि कंडक्टिव मटेरियल एडेड रहता है, तो उस हिसाब से उसको सेमीकंडक्टर बोलते हैं, बट वो कुछ ऐसा नहीं है कि सिलिकॉन से बना हुआ है, तो काफ़ी लोगों को ये भी गलतफहमी रहती है। सो आई होप गाइस कि आप समझ गए जो मेरा पॉइंट मेन था कि हम क्यों सेमीकंडक्टर मटेरियल यूज़ करते हैं, सॉरी सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं बोलूँगा लेकिन सेमीकंडक्टर लेयर क्यों यूज़ करते हैं केबल में, उसके पीछे का रीज़न क्या है, वो जो मैंने आपके आगे आगे दो बताया वही मेन रीज़न है। सो आई होप गाइस आपको ये अच्छा वीडियो लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइस लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू गाइस।